की परदा जन नानक की अरदास सदा मैं निवेदन कर रहा था आपसे, आपके बुलाने पर आए तो आप स्मरण ठीक से कर रहे हैं और बिना बुलाए आए तो माने प्रभु आपका स्मरण कर रहे हैं। इस संसार में एक यही घटना है जो बिना भगवत कृपा के, जो बिना भगवत की अनुकंपा के जीव के जीवन में प्रत्यक्ष नहीं होती, संत का सम्मिलन नहीं होता। संत विशुद्ध मिले ही पर ते ही राम कृपा कर चितवत जाएगी। गोस्वामी जी ने कृपा शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे तो वो सबको देखता है। कबीर कहते हैं चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, ऐसे तो वो सबको देखता है, सबको सुनता है, पर वो कृपा दृष्टि से देखता है। जब वो स्नेह सिक्त दृष्टि से जब देखता है तब क्या होता है, संत विशुद्ध मिले ही परते। कहना गुरु बंधन वाणी कहती है कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हरे द्वारे आया, और नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। आज से ठीक 15 वर्ष पहले जब पहली बार वृंदावन आना हुआ था, और महाराज श्री का भी शायद बस कुछ समय से हिताश्रम में आगमन हुआ था, तो रात को महाराज श्री से मिलने के लिए हम लोग गए। पहली बार वृंदावन आया था और सत्य कहूं तो दर्शन करने नहीं, देखने के लिए आया था कि क्या होता है यहां। महाराज श्री के कक्ष में हम लोग मिलने के लिए गए, कुछ चर्चा हुई, महाराज श्री ने सत्संग लाभ दिया, और जहां महाराज बैठे थे महाराज के बिल्कुल पृष्ठ भाग में श्री महाप्रभु जी का यही चित्रपट, ऐसा ही चित्रपट विराजमान था। आप श्री महाप्रभु के विषय में बता रहे थे, मेरे कान सुन रहे थे और मेरी आंखें महाप्रभु की ओर एक टक निहार रही थी। आज मैं आपको अपने हृदय की वो गहनतम अभिव्यक्त अभी अनुभूति आपके साथ में बांट रहा हूं कि इनके मुख से महाप्रभु का यश मिश्रित हो रहा था। मेरे कान सुन रहे थे, मेरी आंखें देख रही थी। मुझे महाप्रभु ने भले सारे विश्व में यहां से वहां घुमा दिया, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो आज भी वहीं बैठा है, वहां से उठा नहीं। और जब जब मुझे कभी अपने सौभाग्य का स्मरण करना होता है तो मैं वो घड़ी स्मरण करता हूं जित तुम्हारे द्वारे आया, और नानक को प्रभु भय कृपाला और सतगुरु पूरा पाया। उस दिन की, उस घड़ी की बलिहारी है। कहां संसार की गलियों में भटकता तन मन, ये मार्ग मिल गया, रसिकों ने पथ प्रशस्त कर दिया। क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि बहुत विचार करने के बाद भी देने के लिए कुछ था नहीं। और मैं तो ये भी नहीं कहा कि मैं आपका हूं, मैं तो इतना भी नहीं कह पाया कि मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करिए। कब उनकी उस एक कृपा दृष्टि ने स्वीकार कर लिया, और कब मैं उनका यश गाता गाता इस प्रकार आपके मध्य आकर पहुंच गया। एक ही वो घड़ी है जित तुम्हारे द्वारे आया, और नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया, और मेरे रोम रोम ने सुख पाया, सुख पाया।
नानक की अरदास सदा सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सदा सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। और अंतर की व्यथा वेदना दूर हो गई सत्पुरुष का दर्शन पाकर। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एकमात्र कसौटी भी है, यही एकमात्र लक्षण भी है कि आपको जीवन में संत मिला है जो आपके भीतर की व्यथा और वेदना का निवारण कर दे, और आपके बिना याचना के, केवल उसका सामीप्य सानिध्य, उसका आभा मंडल, उसकी आभा प्रभा, उसके रोम रोम से छिटकता सत्य का वो उजास, वो प्रकाश। सत्य को न तो परिचय की आवश्यकता है, न किसी आधि व्याधि और उपाधि की। सत्य सत्य से ही विभूषित रहता है, क्योंकि सत्य यदि सत्य है तो फिर वो शिव भी है और फिर वो सुंदर भी है। भीतर बैठाया चरण पखारे और अनबोलत मेरी बिरथा जानी, ये सत्पुरुष का लक्षण है। व्यास जी के उर अंतर की वेदना जान ली श्री नृसिंह आश्रम जी ने। पूछा कि तुम दोनों के हृदय का कष्ट क्यों है, क्या कारण है इस पीड़ा का? तो आज पहली बार तारा रानी ने साहस एकत्रित करके निवेदन किया, प्रभु जिसने बिना अभिव्यक्त किए हृदय का कष्ट जान लिया, क्या वो कष्ट का कारण नहीं जानता होगा? हमने तो आपसे अपनी पीड़ा नहीं निवेदन की। आप यदि आपने हमारी मौन पीड़ा समझ ली तो क्या आप पीड़ा का कारण समझने में समर्थ नहीं है? आप जानते हैं, आपसे क्या निवेदन किया जाए। दीर्घ निश्वास भरते हुए श्री नृसिंह आश्रम जी कहने लगे, व्यास तुम तो पंडित हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तारा रानी कहने लगी, प्रभु अपराध क्षमा करें, यदि सब कुछ भाग्य का ही लिखा होता है फिर संतों की महिमा क्या है। उस पीड़िता के हृदय का वो वाक्य चोट कर गया नृसिंह आश्रम जी के हृदय पर। संत हृदय नवनीत समाना, वो माता जिसका वात्सल्य छटपटा रहा है किसी पर बरस जाने के लिए, वो कोख जो आतुर है किसी को अपने आलिंगन में बद्ध कर लेने के लिए, वो उस जननी के हृदय से ये आर्त पुकार जब निकली, यदि सब कुछ भाग्य का लिखा होता है फिर आपकी क्या महिमा है, फिर संत की क्या महिमा है। संतों से सुना है, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोए, करता करे न कर सके पे गुरु करे सो होए। आज पहली बार नृसिंह आश्रम जी को लगा कि ज्ञान मौन है, ज्ञान के पास इस प्रेम भरी बात का उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये माता के हृदय का प्रेम जो आकुल व्याकुल हो रहा है, आज इसके उत्तर में मेरे पास कुछ नहीं है। मौन होकर उठ गए कि संध्या काल में तुमसे मिलूंगा। इष्ट आराधन में तन्मय हो गए श्री नृसिंह आश्रम जी, और ये तो केवल भूमिका बन रही थी। भगवान की अघटन घटना पटीयसी, इच्छा शक्ति सब कार्य कर रही थी। व्यास मिश्र के यहां नृसिंह आश्रम जी का आना भी कुछ ऐसा ही था, भगवत संकल्प से प्रेरित होकर नृसिंह आश्रम जी आए। नृसिंह भगवान की उपासना जिन्हें सिद्ध थी, तन्मय हो गए इष्ट आराधन में, मन प्राण इष्ट के सन्निकट ले जाकर पीड़ा निवेदन करते। उससे पूर्व इष्ट ने कहा कि जाओ उस दंपति से कह दो कि उनकी पीड़ा का अंत होने का समय आ गया है, अब सब कष्ट दूर होंगे, क्लेश दूर होंगे, और केवल दंपति के नहीं सारा संसार दंपत्ति की संपत्ति पाकर हर्षित होगा, आनंदित होगा, क्योंकि तारा रानी की कूक से कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा और माधव युगल के पाद पद्मों के, युगल चरणों के, चारों चरणों के प्रेम रस को प्रदान करने वाली कली कलुष विनाशिनी, नित्य निकुंज विलासिनी, रास रस वर्षिणी, मनमोहन मनमोहिनी, आनंद कंद आनंदिनी, रासेश्वरी कि प्राण स्वरूपा स्वयं वंशी अविर्भूत होगी। जाओ उस दंपति से कहो कि अब आनंद का समय है, अब उल्लास का समय है, अब उत्सव का समय निकट है। रोम रोम प्रसन्न हो गया नृसिंह आश्रम जी का, दौड़कर गए व्यास जी से जाकर सब घटना कह सुनाई।
तारा रानी नेत्र झुकाकर भीतर कक्ष में चली गई। रोम रोम हर्ष से आनंद से किसी अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो रहा है। और मुझे सबसे सुंदर इस समग्र घटनाक्रम में, इस सारी लीला में मुझे सबसे सुंदर ये बात लगती है, सबसे प्रिय ये वार्ता लगती है कि प्रभु के आगमन की सूचना मिलती है किससे? एक संत के मुख से मिलती है। प्रभु के आगमन की बेला है, लेकिन ये सूचना कौन देता है? संत देता है। भगवान ने जब जब इस धराधाम पर अपने विभु का प्राकट्य किया है, उसमें माध्यम सदा संत बना है और संत ही बनेगा। मैं तो कई बार चर्चा करता हूं कि श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, लेकिन यदि रस दान किसी को करना है तब श्री कृष्ण असमर्थ हैं। उद्धव को अपने प्रेम विभु से परिचय कराना था तो उद्धव को गोपांगनाओं के शरण में भेजा। जब जब भगवान ने अपना माधुर्य प्रकट किया है, ऐश्वर्य प्रभु स्वयं प्रकट करते हैं, पर ऐश्वर्य में अनुग्रह भी है और निग्रह भी है, पर माधुर्य प्रभु किसी भक्त के संत के माध्यम से प्रकट करते हैं, क्योंकि उसमें केवल अनुग्रह है। इसीलिए तुलसी कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा, और इसीलिए तुलसी की लेखनी को माध्यम बनाकर वो परम तत्व कहता है सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। कभी सूचना मिलेगी आपको जीवन में, पदचाप सुनाई देगी कभी प्रभु के आने की, कोई द्वार आकर खटखटाएगा, कोई संदेशा लेकर आएगा, तो वो संत होगा। इसीलिए कृपा की कसौटी, कृपा का लक्षण, कृपा का गुण धर्म यदि कोई है तो वो जीवन में संत का सम्मिलन है। और कोई ऐसा संत जो तन की नहीं, जो मन की व्यथा दूर कर दे, जो हृदय में सुख की स्थापना कर दे, कोई ऐसा संत। इसलिए पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया कि जब भगवान के हृदय में लोक मंगल की, लोक कल्याण की किसी कामना का स्फुरण होता है तो सत्य संकल्प, प्रभु का संकल्प मूर्तिमान होकर संत के, भक्त के किंवा आचार्य के रूप में प्रकट होता है। संत भगवान की कृपा मूर्ति है, आचार्य भगवान का कृपा विग्रह है, अनुग्रह विग्रह है, जिसमें केवल रस है। तो दंपति हर्षित हो गए नृसिंह आश्रम जी, क्योंकि साधु का तो लक्षण है चरई वेती मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। साधु की पवित्रता इसी में है कि रमण करता रहे, बहता रहे, प्रवाहमान रहे, प्रवृद्धमान रहे। साधु बड़े हर्ष और आनंद से दिवस व्यतीत होने लगे। अब तारा रानी को सहसा सहज ही भगवत स्मरण बना रहता है, क्योंकि जो उर में आया है, जो उदर में आएगा, वो अन अधिकारी को भी प्रेम रस प्रदान करने वाला है। वो जीव मात्र को, प्राणी मात्र को सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी में स्नान कराने के लिए आने वाला है। वो पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान करने के लिए आने वाला है। और नृसिंह आश्रम कहकर गए थे कि व्यास, तारा रानी की प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक मनोरथ, इनकी प्रत्येक वांछा को पूर्ण करना, क्योंकि इनके उदर में जो आ रहा है अब इनकी इच्छा इनकी नहीं होगी, अब इनका मन इनका नहीं रहेगा, अब इनका चित्त इनका नहीं रहेगा, वो सब कुछ प्रेम स्वरूप होने वाला है, वो सब तन्मय तदात्म होने वाला है। इसलिए इनके मनोरथ का ध्यान रखना। सप्तम मास का जब गर्भ था, सहसा एक दिन भोर जगी तारा रानी और व्यास मिश्र से जाकर कहने लगी कि नाथ कृपा करिए, मुझे ब्रजभूमि का दर्शन कराइए, मेरे प्राण मन चित्त व्याकुल हो रहे हैं ब्रजभूमि का दर्शन करने के लिए। जाने क्यों मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि जाऊं और ब्रज रज में लुंठित हो जाऊं, जाने क्यों ऐसी इच्छा हो रही है कि वृंदावन बिहारी के सन्मुख हो जाऊं और अपने तन मन प्राण उन पर न्यौछावर कर दूं, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं ब्रजभूमि का दर्शन करने के लिए। व्यास जी चिंता में पड़ गए कि अरे आप इस समय आसन्न प्रसवा हैं, इस समय यात्रा करना उचित नहीं है, और जाने कितने भाग्य से, कितने पुण्य प्रकल्पों से, कितने पुरुषार्थों से, कितने सत्पुरुषों के आशीर्वादों से, मंगलाशीषों से आज हमारे जीवन में ये घड़ी सन्निकट आ रही है, इस प्रकार आपका ये संकल्प उचित नहीं है। तारा रानी कहने लगी मेरा संकल्प नहीं है, मेरी विवशता है, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं,
मेरा हृदय जलविन मीन की भांति छटपटा रहा है कि कब ये नेत्र ब्रजभूमि का दर्शन करें, कब ये तन ब्रज रज का संस्पर्श करके पावन हो जाए, कब वृंदावन के तरु लताओं को मैं आलिंगन में भर के आनंदित हो जाऊं। व्यास जी सोचने लगे कि एकाएक तारा रानी के हृदय में कैसा भाव है, और क्यों ना हो, क्योंकि जो आने वाला है वो तो तीन लोक में कहीं भी कोई उसका नाम ले तो सहसा चेतना प्रवाहित होने लगती है। कहां वो दुर्लभ पिए प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन, चहु दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन, नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन, मनुवालित परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। व्यास जी को श्री नृसिंह आश्रम जी की उस चेतावनी का स्मरण हो आया कि इनके मन का कोई मनोरथ अपूर्ण न रहने पाए, यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करना कि इनके मन की इच्छा पूरी हो, मनोकामना पूर्ण हो। अब व्यास मिश्र के पास अतुल वैभव अतुल संपत्ति है, लाभ लश्कर के साथ तारा रानी की समस्त अनुकूलताओं का ध्यान रखते हुए सब सामग्री से सुसज्जित होकर चल पड़े ब्रजभूमि का दर्शन करने के लिए। यहां पर आकर ब्रजभूमि का दर्शन करते हैं, वृंदावन को प्रणाम किया, गोकुल नंदगांव बरसाना की पावन रेणु को मस्तक पर धारण किया, ब्रज रज मुख में डाली, मस्तक पर शिरोधार रखी। तारा रानी का हृदय आनंद से परिपूर्ण है, और देखिए जितने भी आचार्यों का प्राकट्य हुआ है उन सब में केवल हित हरिवंश महाप्रभु ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज भूमि पर आकर अवतार ग्रहण किया है। केवल श्री महाप्रभु, कहीं से भी परिस्थिति ऐसी हुई, भगवान की योग माया ने कार्य सिद्ध किया, मनोरथ सिद्ध किया रसिकों का, और मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जग धनी, भनी अवनी वर आप मुख, अपनी भूमि पर आकर श्री महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। और मथुरा के सन्निकट बाद ग्राम में वैशाख मास शुक्ल पक्ष और दशमी की तिथि, संध्या का समय है, व्यास जी चिंतातुर हैं, पड़ाव पड़ा है, और कुछ ब्रजवासियों ने देखा, व्यास जी तेजस्वी ब्राह्मण थे, ब्रजवासियों ने देखा कि कोई तेजो मूर्ति तपो मूर्ति ब्राह्मण है, सदगृहस्थ मालूम पड़ता है। ब्रजवासियों ने जाकर पूछा, आप अतिथि हैं हमारे, आपकी चिंता को कहाँ कारण है। व्यास जी ने निवेदन किया कि भैयाओं, मेरी धर्म पत्नी या समय आसन्न प्रसवा है, किसी भी समय मुझे सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, इसी कारण से चिंतित हूं, आगे की यात्रा इस दशा में संभव नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा, आप हमारे अतिथि हो, आप काऊ बात की चिंता मत करो, रानी जी को कोई कष्ट नहीं होवेगो, और श्री ठाकुर जी की कृपा भई तो सब मंगल होएगो, क्योंकि ब्रजवासियों को, बाद ग्राम वासियों को आज किसी विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। घर घर तोरण बंधनवार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि आज पता नहीं जाने कैसा उल्लास मन में है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज उत्सव मना ले। कोई पूछ रहा है क्यों मना ले, बोले बिना ही कारण उत्सव मना ले, प्रेम ऐसा ही तो उत्सव है जिसका कोई कारण नहीं होता, और मुझे तो लगता है एक प्रेमोत्सव ही तो ऐसा है, एक हितोत्सव ही तो ऐसा है, प्रेम का कोई कारण नहीं होता, और कारण हो तो प्रेम नहीं होता, कारण हो और उत्सव हो तो साधारण बात है, कारण नहीं हो और उत्सव मनाने का मन करे तो समझो प्रेम है, तो समझो हर्ष है, उल्लास है। कोई कहता है ना, हमारे राधा वल्लभ लाल का नाम है नित्योत्सव मूर्ति, बोले नित्य ही उत्सव है, क्यों, क्योंकि बाकी जगह तो होता है अमुक दिन है, अमुक मुहूर्त है, अमुक तिथि है तो उत्सव होना चाहिए, यहां दिन और तिथि और समय की आवश्यकता ही नहीं है उत्सव के लिए। कहीं तो ऐसा होता है कि सावन आए और ठाकुर जी को झूला झुलाओ, यहां लाल जी की झूलने की इच्छा हुई, प्रिया जी की झूलने की इच्छा हुई, और सावन वर्षा ऋतु आकर सेवा में उपस्थित है, यहां तो प्रिया और प्रियतम का सुख ही एकमात्र उत्सव का हेतु है, इसीलिए हितोत्सव है कि इसके इसके उल्लास में कोई कारण नहीं है, ये बिना कारण का उत्सव है। ब्रजवासियों के पास कोई कारण तो नहीं है उत्सव मनाने का, लेकिन मन की वृत्ति उत्सविक हो गई,
मन की वृत्ति का उत्थान हो गया, मन की वृत्ति आनंद के किसी उस धरातल पर जाकर स्थित हो गई। मन कर रहा है गालें नाच लें, कुछ बांट दें, कुछ न्यौछावर कर दें, कुछ दे दें आज किसी को। ये मन का उत्सव क्या है? जब आपका मन करे कि आज दे दें कुछ किसी को, आज बांट दें किसी को। अभी मैं भीतर से आया तो महाराज श्री यही बात कर रहे थे। प्रणाम करने के लिए मैं गया तो किसी ने कहा आपको प्रणाम कर लें, तो मैंने कहा दूर से करना। तो बाबा कहने लगे इनको दूर से करना, मुझे नजदीक से कर सकते हो। और फिर कहने लगे, बड़ी सुंदर बात कही, मुझे बड़ा आनंद हुआ आते हुए सुना मैंने उनके मुख से। और महाराज कहने लगे देखो हमने तो जितना भजन साधन जुटाया है हम तो सब यहीं पर लुटा कर जाएंगे। हम तो प्रिया जी के पास केवल एक सुंदर हृदय लेकर जाएंगे, खाली मन लेकर जाएंगे। जो भजन कर लिया है, जो साधन कर लिया है, जो चिंतन है, वो सब यहीं पर लुटा कर जाएंगे। तो आपको कभी चरण छूना हो आप सबको, तो आप नजदीक से छू सकते हो। तो आज ब्रजवासियों के मन में ही बोले दे दें किसी को कुछ। और मैं फिर कहूं आपसे, हितोत्सव कब हो? आपके मन में प्रेम का उत्सव कब हो? जब आपका मन करे कि अब बांट दें, अब बटोर न ले अब हम बांट दें, अब हम ले न ले अब हम दे दें। इसीलिए तो मैंने कहा ये उपासना आरंभ होती है कहां से? ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भावती भावती को प्यारो, बस जुगल किशोरे ही जानो, छिन ना टरो पल हो न इत उत रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, ऐसे ही देखत रहूं ऐसे ही रंग करो निसिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम। आज ब्रजवासियों के मन में उत्सव की भूमिका बन रही है। सब ब्रजवासी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, बोले भैया उतरता बैसाख है चढ़ तो जेठ है, देख देख तो सही कैसी शीतल शीतल बयार चल रही है। और सेवक जी कहते हैं निर्जल सजल सरोवर भय उखटे वृक्षन पल्लव नय, कि निर्जल सरोवर सजल हो गए, सूखे वृक्ष हरे भरे हो गए। आपके मेरे भीतर भी एक निर्जल सरोवर पड़ा है, आपके मेरे भीतर भी एक निर्जल सरोवर है, कभी वो प्रेम रस से परिपूर्ण हो जाएगा, लबालब भर जाएगा। एक सूखा वृक्ष आप और मैं भी तो हैं, कि पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। आपने मैंने जीवन में बड़ी उपलब्धि कर ली, किसी को क्या सुख है? और बहुत बार तो ऐसा होता है बाप, आपकी मेरी उपाधि किसी के लिए व्याधि हो जाती है। मनुष्य की उपाधि पहले तो उसी के लिए ही व्याधि है। मैं तो कई बार विनोद करता हूं, बुरा मत मानना, ऐसे विनोद में कह रहा हूं कि मार्ग तो ये स्वयं को मिटाने का था, पर विडंबना यह कि इस पथ पर पैर धरते ही व्यक्ति कुछ ना कुछ बन जाता है। लाडली दास जी लिखते हैं आए थे हरि भजन को और बन बैठे भगवान, अज्ञ जनन सम्मान लग भई प्राप्ति में हान। गालिब कहता है कुछ न था तो खुदा था, कुछ न था तो खुदा था, और कुछ न होता तो खुदा होता। कुछ होने ने मजबूर कर दिया, कुछ होने ने उससे दूर कर दिया। कुछ ना होता तो खुदा होता, और कुछ ना था तो खुदा ही था। कुछ होने ने मजबूर कर दिया, और कुछ होने ने उससे दूर कर दिया। और संसार क्या है? आपको कुछ बना देता है, और जैसे ही आप कुछ होते हैं आप जकड़ जाते हैं उस कुछ होने की मर्यादा में, उस बंधन में। इसीलिए महाप्रभु संकेत करते हैं ये पथ किसके लिए है, न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपरा वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम रसम राधायामा भजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। महाप्रभु ने कहा ऐसा, जो आप और मैं सरल शब्दों में गा देते हैं वैसा महाप्रभु ने भी कहा। लिखन्ति भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति बालस्थले लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरोर भजन विक्रमात का इहते महाबुद्धयः। आपको संस्कृत का श्लोक तो समझ नहीं आया होगा, मैं हिंदी में बताता हूं हिंदी में क्या कहा है महाप्रभु ने। छाप तिलक
सब छीनी रे, मुझसे नैना मिले बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रे जवा, मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के। और हमारे रंगरेज के आगमन की बेला है, मैं पहले ही निवेदन कर दूं, जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे रंग की रंगाई, मोरा जोवन गिरवी रख ले, मारी चुनरिया अपनी पगरिया, दोनों बसंती रंग दे, सब सखियन में चुनर मोरी मैली, सब सखियन में चुनर मोरी मैली, देख हसे नर नारी, अब की बहार चुनर मोरी रंग दे, रख ले लाज बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रे जवा, 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 मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिले, मोहे सुहागन कीनी रे तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिले, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिले के, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रजवा, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिले, नैना मिले के जी नैनों में आए के, नैना मिले के जी नैनों में आए के, महाप्रभु की वाणी में ऐसी उन्मत्तता पदे पदे परिलक्षित होती, रहो दास्यम तस्याह किमपि वृषभानोर व्रजवरीयसः, पुत्र्याः पूर्ण प्रणयरस मूर्तेर यदि लभे।